नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी आगमन से पहले काशी विश्वनाथ क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ता मंगलवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ व भगवान नंदी की 51 किलो की रुद्राक्ष की माला चढ़ाने के लिए जा रहे थे, जिन्हें सुरक्षा कारणों के चलते मैदागिन पर पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मैदागिन पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस में काफी देर तक मंदिर जाने को लेकर बहस होती रही। अंत में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रुद्राक्ष की माला चढ़ाने की अनुमति दे दी। इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल मामला तब शुरू होता है जब अपने जन्मदिन के लिए एक आदमी बाबा काशी को चढ़ाने के लिए 51 किलो की रुद्राक्ष लेकर मंदिर के बाहर पहुंचा, लेकिन पुलिस कर्मी उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसी पर विवाद बढ़ा। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ता राजा आनंद ज्योति सिंह का इस पर क्या कहना है, देखिए इस वीडियो में। अपना नाम बता दें। राजा आनंद ज्योति सिंह, कार्यकर्ता ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद। कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों पुलिस प्रशासन रोकी हुई जाती है? देखिए, आज हमारा जन्मदिवस था, इस एवज में हम लोगों ने 51 किलो का रुद्राक्ष के माले का माला बनवाया था। रुद्राक्ष का वो माला लेके हम लोग जा रहे थे ज्ञानवापी विश्वनाथ जी को अर्पण करने के लिए। मैंने प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ लिख दिया था कि हम लोग विश्वनाथ जी को वो चढ़ाएंगे और वहाँ स्थित हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब जब हमारा परिसर है, हमारी जगह है, हमारी चीज़ें हैं, आप हमको वहाँ नहीं जाने देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आप शुक्रवार को सहयोग कर रहे हैं, सोमवार मंगलवार को सहयोग नहीं कर रहे हैं, रोकने टोकने का काम कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। अगर ये रोकते हैं, प्रतीकात्मक पूजा करेंगे, यहीं करेंगे, करके जाएंगे, माला यहीं तोड़ के बिखेर देंगे बाबा के नाम पर, लेकिन इसका परिणाम बुरा होगा, क्योंकि देश जान रहा है कि अगर आप ज्ञानवापी में भगवान खुद भूखे पड़े हैं, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय का सम्मान है, अधिवक्ता हैं, न्यायालय के साथ खड़े हैं, लेकिन अब विश्वनाथ जी के अंदर भी अगर आप हमको पूजा नहीं करने देंगे तो ये काफ़ी कष्टप्रद रहेगा। किस वजह से रोका जा रहा है, क्या है ये तो अब हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, बड़े भाई हैं, अब यही बता सकते हैं क्यों रोक रहे हैं। देखिए, पूरा डंडा पंडा लेके खड़े हैं। अगर नहीं जाने दिया जा रहा तो फिर क्या आगे? बता तो रहे हैं, प्रतीकात्मक शिवलिंग बना के यहीं बाबा का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी बगल में खड़े हैं। आप एक अधिवक्ता है, 144 धारा लागू कहाँ लागू है? कहाँ लागू है? कहीं लागू नहीं है धारा 144 लागू है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर धारा 144 लागू है, आप मेरे साथ यहाँ से चौक चलिए, मैं आपको दिखाऊं, 5 से ज़्यादा अधिवक्ता एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, दसों बैठ के चाय पी रहे, क्यों पी रहे हैं? धारा 140 का अनुपालन हो रहा है, जिले के अंदर कहीं हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, उसकी प्रति मेरे पास है, लेकिन अभी कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 नहीं लागू है। शुक्रवार को जुम्मा नमाज पढ़ने जाती है तो आप क्यों रोकते हैं? शुक्रवार राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने बाबा को चढ़ाने के लिए 51 किलो का रुद्राक्ष की माला बनवाई थी। मंदिर जाते वक्त पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आरोप लगाया गया कि प्रशासन सहयोग करने के बजाय हम लोगों को मंदिर परिसर में जाने से रोकने लगा, जबकि हम लोगों ने साफ बताया था कि हम काशी विश्वनाथ धाम जा रहे हैं, न कि ज्ञानवापी परिसर। काफी देर तक चली पंचायत और बहस के बाद कार्यकर्ता प्रतीकात्मक पूजा करने की बात करने लगे और बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मामला बढ़ता देख 3 थानों की पुलिस मौके पर बुलाई गई। संख्या में आया हूँ, मैं आह्वान करूंगा यहीं बैठ के पूरे बनारस के अधिवक्ताओं का और पूरे बनारस के नागरिक को। स्वागत है, सम्मान है सबका, आपका अधिकार है, आप जाइए, आइए, करिए, मुझसे कोई, लेकिन हुजूम के सच में आप नहीं जाइए। ये हुजूम है, ये 40 लोग हुजूम। आखिरी में पुलिस प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से बात करी। इसके बाद कुछ शर्तों पर कार्यकर्ताओं को रुद्राक्ष की माला चढ़ाने और दर्शन की अनुमति दे दी गई। सभी कार्यकर्ता भी पुलिस कमिश्नर व मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को धन्यवाद कर काशी विश्वनाथ को माला चढ़ाने के लिए चले गए।
ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ता मंगलवार की सुबह श्री काशी विश्वनाथ और भगवान नंदी को 51 किलो की रुद्राक्ष की माला चढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा, लेकिन आपसी सहमति के बाद पुलिस ने उन्हें आगे जाने की सहमति दे दी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।